हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम केसीएस पनिक्कर के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि जानते हैं आप लोग, केसीएस पनिक्कर एक तांत्रिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 1911 ईस्वी में केरल के कोयम्बटूर में हुआ था। मृत्यु इनकी 1977 ईस्वी में हो गई थी। इन्होंने मद्रास चोल मंडल की स्थापना की थी 1966 ईस्वी में। आइए देखते हैं केसीएस पनिक्कर का जन्म की बात करें तो इनका जन्म 30 मई 1911 ईस्वी में 30 मई 1911 ईस्वी में केरल के कोयम्बटूर में हुआ था। इनका जन्म केरल के कोयम्बटूर में इनका जन्म हुआ था। और शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा जो है मद्रास कला विद्यालय में हुई थी। इनके पिता एक चिकित्सक के रूप में जाने चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं। और इनकी शिक्षा मद्रास कला विद्यालय से हुई थी और टीपी राय चौधरी के निर्देशन में। गुरु की बात करें तो मद्रास कला विद्यालय में जो है टीपी राय चौधरी से जो है शिक्षा लिए थे। टीपी राय चौधरी डीपी राय चौधरी के निर्देशन में ये कला शिक्षा लिए थे। और इन्होंने शिक्षण कार्य भी यहीं से किया था। शिक्षण कार्य की बात करें तो शिक्षण कार्य भी मद्रास कला विद्यालय में ही जो है इन्होंने किया था। हालांकि पहले यहाँ शिक्षक थे और उसके बाद जो है वो प्राचार्य हुए, बाद में प्राचार्य के पद पर भी ये जो है कार्य किए थे। तो ये जो है जन्म इनका मद्रास में हुआ था, जन्म इनका केरल के कोयम्बटूर में हुआ था। शिक्षा मद्रास कला विद्यालय से लिए थे बीपी राय चौधरी के निर्देशन में और शिक्षण कार्य भी इन्होंने यही मद्रास कला विद्यालय से जो है किया था। और प्रभाव अगर देखें तो इनके ऊपर जो है प्रभाव यामिनी राय और विनोद बिहारी मुखर्जी विनोद बिहारी मुखर्जी और पाल क्ली का प्रभाव था इनकी कला पर। यामिनी राय, विनोद बिहारी मुखर्जी और पाल क्ली के कला पर जो है इन कला का इनके ऊपर प्रभाव दिखाई देता है। और माध्यम की बात करें, माध्यम इन्होंने जल रंग व तैल रंग दोनों माध्यमों में इन्होंने जो है चित्रण किया था। जल रंग और तैल रंग दोनों माध्यमों में इन्होंने शिक्षण किया था। और जल रंग और तैल रंग दोनों माध्यमों में इन्होंने जो है चित्रण किया था। और स्थापना की बात करें तो ये जो है मद्रास चोल मंडल की स्थापना इन्होंने किया था। स्थापना 1966 ईस्वी में मद्रास चोल मंडल की स्थापना किए थे। मद्रास चोल मंडल की स्थापना इन्होंने किया था 1966 ईस्वी में। और पुरस्कार की बात करें तो इन्हें रत्न सदस्यता पुरस्कार मिला था। इन्हें राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा रत्न सदस्य पुरस्कार भी मिला था। और रत्न सदस्य पुरस्कार मिला था। मृत्यु की बात करें
मृत्यु। तो 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, हैं? 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और आइए देख लेते हैं केसीएस पनिक्कर। केसीएस पनिक्कर का जन्म जो है 30 मई 1911 ईस्वी में केरल के कोयम्बटूर में हुआ था। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा मद्रास कला विद्यालय में इनकी शिक्षा हुई थी। इनके पिता चिकित्सक थे और मद्रास कला विद्यालय में डीपी राय चौधरी के निर्देशन में इनकी कला शिक्षा हुई थी। शिक्षण कार्य भी इन्होंने यही मद्रास कला विद्यालय से किया था, जो है मद्रास कला विद्यालय में ये शिक्षक थे और पहले शिक्षक थे, फिर बाद में उप प्राचार्य हुए और लास्ट में प्राचार्य के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। और प्रभाव की बात करें तो इनके चित्रों पर यामिनी राय, विनोद बिहारी मुखर्जी और पाल क्ली के कला का जो है इनके ऊपर प्रभाव है। और माध्यम की बात करें तो जल रंग, पैल रंग इनके चित्रण का प्रमुख माध्यम था। स्थापना इन्होंने 1966 ईस्वी में मद्रास चोल मंडल की थी। मद्रास चोल मंडल की स्थापना इन्होंने किया था जो है चेन्नई में। और पुरस्कार की बात करें तो रत्न सदस्य पुरस्कार इन्होंने इनको मिला था। मृत्यु इनकी 1977 ईस्वी में हो गई थी। ये व्यापारिक बीमा कंपनी में भी कुछ दिन तक कार्य किए थे, केसीएस पनिक्कर। कुछ दिनों तक व्यापारिक बीमा कंपनियों में भी इन्होंने कार्य किया था। ये तांत्रिक कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं, हैं? इनकी कला तंत्र कला तांत्रिक कला से प्रभावित थी। ये कलाकारों के युवा पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत के रूप में भी जाने जाते हैं, केसीएस पनिक्कर। कलाकारों के युवा पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। वहीं ये लगभग 50 चित्र अपने लगभग 50 चित्र जो है केरल के जनता के नाम कर दिए थे, अपने द्वारा बनाए गए, यानी अपना 50 लगभग 50 चित्र इन्होंने केरल के जनता के नाम जो है इन्होंने दान कर दिया था। और ये नौतांत्रिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। अमूर्त चित्रण, दृश्य चित्रण और आध्यात्मिक चित्रण भी इन्होंने किया है प्रमुख रूप से। और इनके अंकन की कुछ और अन्य विशेषताएं हैं, जैसे इनके अंकन की सूक्ष्मता, गरिमा, गतिशीलता और भाव प्रवणता इनके चित्रों का जो है प्रमुख विषय रहा है। और जिनमें इनके आकृतियां जो है बड़े आकार में बनाते थे, बड़े आकार में आकृतियां, बड़े और तिरछे भंगिमाओं के साथ जो है चित्रित किया है, जिसमें नेत्र बड़े बड़े और चेहरों के तुलना में हाथ और पैर बहुत छोटे छोटे इन्होंने बनाया है। और इनकी आकृतियां जो है खिलौने के समान जो है प्रतीत होती हैं, हैं? केसीएस पनिक्कर के चित्रों की आकृतियां खिलौने जैसे भी प्रतीत होती हैं, जिसमें इन्होंने नेत्र बहुत बड़े बड़े बनाया है और चेहरों के तुलना में हाथ पांव जो है ये छोटे छोटे बनाए हैं। और इनकी आकृतियां खिलौने के समान जो है प्रतीत होती हैं। लगभग इन्होंने 50 चित्रों को जो है 50 चित्र अपने केरल की जनता को जो है दान स्वरूप जो है उनके नाम कर दिए थे। कुछ चित्र भी हैं, इनके चित्र देख लेते हैं, जैसे आदम और हवा, ईसा, बसंत। आदम और हवा, ईसा, बसंत, वर्ड्स एंड सिंबल सीरीज, धन्य है शांति दूत, गारनान इन्होंने बनाया है, पतिता तथा ईयू इनका चित्र है, काली लड़की बनाए हैं, पीला चित्र इन्होंने बनाया है, लुम्बनी एक इनका चित्र है और फल बेचने वाले भी इनका एक चित्र है जो है। तो आइए चित्र को देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। केसीएस पनिक्कर जो है भारत के प्रथम तांत्रिक कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं, इन्हें भारत का प्रथम तांत्रिक कलाकार कहा जाता है। जन्म इनका 1911 ईस्वी में केरल के कोयम्बटूर में हुआ था। 1977 ईस्वी में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। आइए चित्र देख लेते हैं। चित्र की बात करें तो चित्र आदम और हवा आदम और हवा, ईसा बनाए हैं ये बसंत, ईसा आदम और हवा, ईसा बसंत,
धन्य है शांति दूत, धन्य है शांति दूत, धन्य है शांति दूत। इनका एक चित्र है वर्ड्स एंड सिंबल सीरीज, वर्ड्स एंड सिंबल सीरीज, वर्ड्स एंड सिंबल सीरीज इनका एक चित्र है, वर्ड्स एंड सिंबल सीरीज। और गारदान बनाए हैं, गारदान काली लड़की, इनका एक चित्र है, काली लड़की बनाए हैं। और फल बेचने वाले, इनका एक चित्र है, फल बेचने वाले। और लुम्बिनी इन्होंने बनाया है, लुम्बिनी है और एक पीला चित्र है, और हाँ ये इनका चित्र है। देखिए आदम और हवा, ईसा, बसंत इनका एक चित्र है, धन्य है शांति दूत। और वर्ड्स एंड सिंबल सीरीज इनका एक चित्र है, गारदान बनाए हैं। और काली लड़की, फल बेचने वाले, लुम्बिनी इनका चित्र है। और पीला ईसा इन्होंने बनाया है, पीला ईसा इनका एक चित्र है। एक और चित्र है इनका, पतिता, व ईव, इनका चित्र है एक तो। और ये इनके चित्र से कैसी स्पनिक करके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी वीडियो हम डालेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।